चैनल इट्स मी श्रुति मिश्रा। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ अपना रिव्यू एक काफी अच्छे सोप के बारे में, जो स्पेशली है पिंपल्स और एक्ने की स्किन के लिए। आज मैं लेके आई हूँ अपना रिव्यू एक एलोवेरा सोप के बारे में। एंड गाइस, ये है वादी हर्बल का ब्रीजी एलोवेरा सोप, सॉफ्ट स्किन थेरेपी, हैंडमेड सोप, एसेंशियल ऑयल्स। सो गाइज, जैसे कि एलोवेरा के जेल, एलोवेरा लोशन, क्रीम, मॉइस्चराइजर सब कुछ अवेलेबल है। और अभी रिसेंट में ही वादी ने अपना एलोवेरा सोप भी लॉन्च किया है। सो मैंने सोचा कि मैं इस सोप का रिव्यू ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि बहुत से मेरे व्यूअर्स हैं जो कि एलोवेरा प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, तो वो उनके लिए एक प्रोडक्ट काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भी एलोवेरा के गुण पसंद हैं और अगर आप एलोवेरा प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ये जानने के लिए कि ये सोप आपके लिए है कि नहीं और ये क्या क्या बेनिफिट आपको देगा। बिना स्किप किए हुए वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए और मैं सबको हेल्प करूंगी, सबको रिप्लाई करूंगी। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा ये है वादी हर्बल का ब्रीजी एलोवेरा सोप, सॉफ्ट स्किन थेरेपी, हैंडमेड सोप विद एसेंशियल ऑयल। वादी हर्बल्स के काफ़ी बड़ी सोप वैरायटी है, इनके इतने सारे सोप वेरिएंट आते हैं, अलग अलग स्किन प्रॉब्लम में अलग अलग इंग्रेडिएंट से बने हुए सोप आते हैं जो कि केमिकल फ्री होते हैं। इनके सारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री होते हैं, इनमें कोई भी आपको पैराबेन या कोई हार्श केमिकल नहीं मिलेगा। अगर बात करें अवेलेबिलिटी की, तो ये आपको लोकल स्टोर्स में नहीं मिलेगा, ये आपको नायका में मिल जाएगा, अमेजोन में मिल जाएगा। बाकी बहुत ज़्यादा आप अच्छे सेलर से ही परचेज करें, क्योंकि इनके फेक कॉपी भी आते हैं। सोप्स के रिव्यू मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। कुछ सोप के रिव्यू मैं अभी और भी लाऊंगी, जिनमें से चॉकलेट सोप और इस तरीके के सोप के रिव्यू मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सब सोप यूज़ कर रही हूँ और एक साथ रिव्यू करना नहीं पॉसिबल है, तो सबके अलग अलग रिव्यू ज़रूर आएंगे। बात करें पैकेजिंग की, तो इस तरीके की कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, बैक पे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल दी गई है। अंदर आपको मिलेगा इस तरीके का जेल बार, ये 75 ग्राम का सोप 40 रुपीस का मिल जाएगा। शेल्फ लाइफ आपको 3 ईयर्स की मिल जाएगी, 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और नायका से मैंने इसको परचेज़ किया है। बाकी इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट अवेलेबल है। अगर आप एलोवेरा नहीं परचेज करना चाहते, तो आप इसकी डेफिनेटली दूसरा कोई सोप ट्राई कर सकते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में, जैसे कि ऑरेंज, चॉकलेट, सब तरीके के सोप आपको मिल जाएंगे। बहुत लाइट सी है, कोई हार्श स्मेल नहीं आती है। एंड गाइस, ये सोप काफ़ी अच्छे से लेदर क्रिएट करते हैं, लेदर फ्री सोप नहीं है। अगर बात करूँ मैं इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें की इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, जैसे कि स्टीम डिस्टिल्ड एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कोकोनट ऑयल डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक हनी, जोजोबा ऑयल, प्योर एप्पल एक्सट्रैक्ट, डीएम वाटर। तो इस तरीके के कुछ इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं, बाकी कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं बताई गई है। अगर बात करूं मैं इसके क्लेम की, तो ये कहता है दिस साइंटिफिकली डिजाइन टू लेयर सोप प्रोवाइड्स यू द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ बोथ एलोवेरा एंड हनी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्टिव एंड सूथिंग बेनिफिट्स ऑफ एलोवेरा। दिस सोप मस्ट हैव इन योर बाथिंग रिजाइम, हनी हाइड्रेट्स द डल ड्राई एंड चैप्ड स्किन एंड हेल्प्स टू रीगेन इट्स नेचुरल ग्लो फ्रॉम विद इन। मतलब कि टू लेयर सोप है, जो कि दो लेयर में आता है। एक है इसमें आपको मिल जाएगा हनी और दूसरा आपको मिल जाएगा एलोवेरा। एलोवेरा हेल्प करेगा आपकी स्किन के पिंपल्स, एक्ने और स्किन इन्फेक्शन को कम करने में। दूसरी तरफ आपका हनी, जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट, मॉइस्चराइज और ग्लो देने में हेल्प करेगा। तो गाइज, दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी स्किन को पिंपल्स और एक्ने से दूर करेगा, बट साथ ही साथ आपकी स्किन को ओवर ड्राई नहीं करेगा। तो ये है इस प्रोडक्ट का क्लेम। कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं की गई है और ये आपको पैराबेन फ्री मिलेगा, जो कि इसमें बताया गया है। ये आयुर्वेदा सोप है और 100% केमिकल फ्री है, ये जो आपको अलग चीज़ें अलग से मेंशन की गई है। बाकी ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इंडिया में बना हुआ है, वोकल फॉर लोकल को सपोर्ट करता है। ये थी इस प्रोडक्ट की डिटेल। अगर बात करें गाइज इसके रिजल्ट के बारे में, गाइज ये मुझे बहुत सोप पसंद आया। एक तो इसमें एलोवेरा है, जो कि मुझे ऐसा लगता है यूज़ करते टाइम कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा की क्वांटिटी है, बहुत अच्छे से स्किन को क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है। और अगर आपको पिंपल्स एक्ने की प्रॉब्लम है, तो ये उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है। ये कहता है ब्लेमिश, मतलब कि दाग धब्बों को भी कम करने में। तो गाइस, अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके दाग धब्बों को कम करेगा, जो कि इसमें एलोवेरा है। बाकी ये स्किन को ड्राई नहीं करता, क्योंकि इसमें हनी मिक्स है, कोकोनट
है, तो ये सब चीज़ें आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेंगी। आप डेफिनेटली सोप को ट्राई कर सकते हैं, भीनी भीनी स्मेल के साथ ये सोप काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बस इसकी आपको ये सोप थोड़ा सा घुलता है, वही इसका मैं ड्रॉबैक कहूँगी। बाकी मुझे ये सोप काफ़ी पसंद आया। ऑयली स्किन वाले या कॉम्बिनेशन स्किन वाले डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। बाकी इस अपकमिंग विंटर में ये सोप काफ़ी अच्छे से वर्क भी करेगा। सो गाइस, ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू वादी हर्बल ब्रीजी एलोवेरा सोप के बारे में। अगर आप कोई और सोप का रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई डेफिनेटली उसको ट्राई करूंगी और उसका रिव्यू जल्दी शेयर करूंगी। सो गाइस, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस बगल में लगा है बेल बटन, डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।